नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज हनुमान जयंती है। हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हनुमान जयंती का पावन अवसर भगवान हनुमान की करुणा और समर्पण भाव को याद करने का दिन है। मेरी कामना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, साथ ही उनके जीवन और आदर्शों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं। हनुमान जयंती के दिन मंगलवार भी है। ये दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ गई है। इसके अलावा हनुमान जयंती पर दो विशेष योग का निर्माण हुआ है। इस दिन पंचांग के अनुसार सिद्धि और व्यतिपात नामक योग का निर्माण हुआ है। सिद्धि योग शाम 8:03 तक रहेगा। संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए आपको बताते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि आरंभ से यानी कि 26 अप्रैल की दोपहर 12:44 से पूर्णिमा तिथि समापन तक यानी 27 अप्रैल आज रात 9:01 तक रहेगा। इस दिन हनुमान जी के साथ भगवान राम जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में भगवान राम ही हनुमान जी के आराध्य बताए गए हैं। ऐसे में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम की भी पूजा की जाती है। हनुमान जयंती पर बजरंग बली की विधिवत पूजा आराधना के साथ चोला चढ़ाने के साथ साथ तेल और सिंदूर चढ़ाने का भी विधान है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि ग्रह की अशुभता दूर होती है। शनि की महादशा, शनि की 7.5 और शनि की ढैया की अशुभता हनुमान जी की पूजा करने से दूर हो जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।